नमस्कार दोस्तों, तो आज बताते हैं हम कि जेसीबी मशीन का फ्रंट ग्लास कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो फ्रंट ग्लास चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें छत के ये आगे आगे के 5 वोल्ट खोलने पड़ते हैं। 5 वोल्ट खोल दिए हैं, तो 5 वोल्ट खोलने के बाद हमने छत के लिए ऊपर को उठा दिया है। इसके नीचे हमने ईंट या गुटका लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ स्पेस बन जाए। उसके बाद हम कांच को साफ करते हैं और आप देख सकते हैं हमने वाइपर ब्लेड को भी एयर क्लीनर में बांध दिया है, क्योंकि शीशा लगाते समय हमें किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, जिस हमारा शीशा ठीक से लग जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने शीशे को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर दिया है और शीशा साफ करते समय हमें हाथों में ग्लिप्स और आंखों में चश्मा लगा लेना है, जिससे कि हमारा हाथों में और आंखों में कांच नहीं लगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने चारों तरफ से शीशा को साफ कर दिया है। अब शीशे को सिलिकॉन से चिपकाएंगे। सिलिकॉन लगाने के लिए सिलिकॉन गन आती है अलग से, और सिलिकॉन हमें इसमें सेट करनी पड़ती है, तो हम सिलिकॉन को उससे आसानी से सिलिकॉन हमारी लग जाती है। बहुत ही साफ तरीके से हमारा शीशा चिपक जाता है। तो अब हम आपको सिलिकॉन लगाते हुए दिखाते हैं। तो हमने चारों तरफ सिलिकॉन बहुत ही अच्छे से लगा दी है। अब हम ग्लास को लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रंट ग्लास आ चुका है। तो फ्रंट ग्लास को अब हम निकालेंगे। तो उससे पहले आपको दिखाते हैं, फ्रंट ग्लास का पार्ट नंबर है ये 335/64/53। आप रेट भी देख सकते हैं, 8070। ये पार्ट नंबर है इसका और ये रेट है इसके। ग्लास निकाल लिया है बॉक्स से। तो फ्रंट ग्लास निकालते समय हमें 2 या 3 लोगों के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रंट ग्लास का साइज बहुत बड़ा होता है और इसमें काफ़ी वजन होता है। तो अब हम फ्रंट ग्लास को लगाते हैं। चिमनी को हटा दिया है, अब हम ग्लास को ऊपर पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 लोग नीचे हैं प्लस 2 लोग ऊपर रहेंगे। तो बड़े आराम से शीशे को लगाते हैं। शीशा लगाते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी मशीन की बॉडी में टच नहीं होना। हमें इसका ध्यान देना है कि हमें ये गैप बराबर रहना चाहिए दोनों साइड, एक साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा शीशा, ये फ्रंट ग्लास है, वो अच्छे से लग जाए। तो हमने ग्लास को लगा दिया है, अब हम दोनों साइड को इन पाइपों में एक रस्सी बांध लेते हैं और ग्लास को लॉक डालते हैं, जिससे कि हमारा शीशा चिपक जाए। तो दोनों साइड रस्सी से बांध दिया है, अब हम फॉर्म को लगाते हैं, जिससे कि हमारा ग्लास है ये अच्छे से जमा हो जाए। तो हमने दोनों साइड रस्सी बांध दिए हैं और हमने गिलास को सेट कर दिया है। हम टेप से भी चिपका सकते हैं, बट ये जो है हमने जो लगाया है, इससे बहुत ही अच्छा शीशा सेट हो जाता है हमारा। तो शीशा लगाते समय आपको इस बात का और ध्यान देना है कि शीशा जब लगाते हैं, तो शीशा लगने के बाद कम से कम मशीन को 3 से 4 घंटे तक मशीन को खड़ी करके रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा ग्लास पूरा लग जाता है, सेट हो जाता है। उसके बाद हम मशीन को चलाएंगे, अन्यथा उससे पहले मशीन को नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा ये ग्लास है वो टूट जाएगा। और फिर उसके बाद ग्लास सेट होने के बाद हम छत को लगा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।